नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सर आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम प्रैक्टिकल की तिथि के बारे में। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को आपकी बार एग्ज़ाम प्रैक्टिकल पहले ही देना होगा। पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम हो जाती थी, उसके बाद स्टूडेंट अपने महाविद्यालय में ही प्रैक्टिकल देते थे, लेकिन अब की बार वैसा नहीं किया गया है। अब की बार आप अपने होम सेंटर अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं देंगे। अब की बार आपको एग्ज़ाम सेंटर इसके लिए बनाया गया है, जो निम्न तिथियों के अनुसार वहां पर आप उपस्थित होकर आप प्रैक्टिकल देंगे। तो आप लोगों का प्रैक्टिकल 11 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक चलेगा। इसमें 11 से लेकर के 15 के बीच में फिजिक्स और होम साइंस के लिए प्रैक्टिकल आयोजित किया जाएगा। स्थिति में फिजिक्स और होम साइंस वाले स्टूडेंट अपना प्रैक्टिकल देंगे। उसके पश्चात केमिस्ट्री और म्यूजिक वाले 16 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच में प्रैक्टिकल देंगे। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में अपना प्रैक्टिकल देंगे। तो बायोलॉजी और ईपीएस का प्रैक्टिकल 22 से लेकर के 24 जनवरी के बीच आयोजित होगा। उसके पश्चात 25 जनवरी को सीएससी का प्रैक्टिकल आयोजित होगा, जिसमें इंटर साइंस, इंटर कॉमर्स और इंटर आर्ट वाले तीनों स्टूडेंट भाग लेंगे। उसके पश्चात 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में आयोजित होने वाले प्रैक्टिकल में सेकेंड सिटिंग में एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी, इंटर साइंस और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट भाग लेंगे। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल 16 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा, जिसमें इंटर आर्ट्स वाले भाग लेंगे। 22 से 24 जनवरी के बीच में वाईपीई का प्रैक्टिकल आयोजित होगा और 25 जनवरी को एमडब्ल्यूटी का प्रैक्टिकल आयोजित होगा, जिसमें इंटर साइंस, इंटर कॉमर्स और इंटर आर्ट्स वाले तीनों स्टूडेंट भाग लेंगे। तो निम्न तिथियों के अनुसार उपस्थित होकर के एग्ज़ाम प्रैक्टिकल में भाग ले, क्योंकि अब की बार जब तक एग्ज़ाम प्रैक्टिकल में भाग नहीं लेंगे तब तक आपको एग्ज़ाम में सम्मिलित होने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए एग्ज़ाम प्रैक्टिकल में भाग ले।